हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, पिछले अध्याय में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने पिछले अध्याय में भारतीय संस्कृति यानी कि इंडियन कल्चर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जान रहे थे, तो आगे इसी श्रृंखला को जारी रखते हुए अभी मैं आपको भारतीय संस्कृति से संबंधित और भी मुख्य प्रश्नों के बारे में बताऊंगी। वही तरीके से मैंने लिखे हैं, एक स्लाइड पे प्रश्न है और एक स्लाइड पे अगली स्लाइड पे इसके उत्तर हैं, ताकि जब आप अपने प्रश्नों को हल करें तो साथ ही आप अपने उत्तर भी उसके साथ मिलान कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैत्री मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, आंध्र प्रदेश। मैत्री मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? पुडुचेरी में स्थित है। कौन की स्थापना कब हुई? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 1964, 1966, 1968, 1970। तो इस कौन की स्थापना हुई थी 1966 ईस्वी में। जोधपुर के निकट ओसिया का मंदिरों का शहर किन राजाओं ने बनवाया था? परमार, प्रतिहार, चालुक्य, सिसोदिया। चलिए इसके उत्तर को जानते हैं। इसका उत्तर है सिसोदिया। ये प्रतिहार राजपूत राजाओं ने, ओसिया का शहर प्रतिहार राजपूत राजाओं ने विकसित किया था। दोस्तों, अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एमराल्ड बुद्ध का मंदिर कहाँ स्थित है? कोई चार ऑप्शन, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम। थाईलैंड में। यह थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में स्थित है। दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने कुछ ऑप्शन दिए हैं, महावीर जयंती, शरद पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, ये तीन त्योहार हैं। इनमें से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से ग्रिगोरियन कैलेंडर के एक ही वर्ष में पड़ सकते हैं, एक या दो, पहला या दूसरा, या दूसरा तीसरा, या पहला तीसरा, या फिर तीनों ही। तो दोस्तों, पहला और दूसरा के बारे में बताते हैं आपको। जैसे महावीर जयंती का पर्व अप्रैल या मार्च में, और बुद्ध पूर्णिमा भी अप्रैल या मई में। कल कोल निम्नलिखित प्रभावों में से सबसे प्रभावशाली आंदोलनों में से एक का नाम था कल कोल। गुजराती, पंजाबी, बांग्ला, हरियाणवी। तो दोस्तों, ये था बांग्ला। कौन सा त्योहार यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है? ज्योतिबा फुले जयंती, विश्वकर्मा जयंती, परशुराम जयंती, या प्रजापति जयंती। तो दोस्तों, जो विश्वकर्मा जयंती है, इसे हम यंत्र पूजा के रूप में मनाते हैं। कौन सी रचना कबीर की है? चार रचना है, शतपदी, दोहावली, बीजक, कवितावली। तो इसमें से कबीर की रचना बीजक है, जिसके तीन भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। दोस्तों, इस बार मैंने प्रश्नों में जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर के बारे में थोड़ा बहुत किसी किसी में आपको बताया है, जिसमें मुझे लगा कि आपको जानना जरूरी है। तो अगला प्रश्न है, भारतीय कथाओं के अनुसार किसने शिव तांडव स्तोत्र गाया था? रावण, कुबेर, विभीषण, कपिल। तो दोस्तों, ये था रावण। किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा था? ओटाम, मथुलाल, भरतनाट्यम, कोलकली, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों, वो नृत्य था ओटा मथुलाल। यह केरल का नृत्य है। इसे 18वीं सदी में कुंचन नाभियार ने स्थापित किया था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? रंगनाथ स्वामी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, अंकरेवाट मंदिर, या तिरुपति बालाजी। तो दोस्तों, रंगनाथ स्वामी भारत का सबसे बड़ा मंदिर है, और दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया में है, जो कि उसका नाम है अंकरेवाट मंदिर। किस राजा ने लाहौर की मोती मस्जिद को रत्न भंडार में बदल दिया था? जहांगीर, शाहजहां, फर्रुखसियार, महाराजा रणजीत सिंह। वो थे महाराजा रणजीत सिंह। अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है? हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी। तो इसका उत्तर है दोस्तों, पारसी धर्म। बागेश्वरी कमर किस वाद्य यंत्र की पहली और एकमात्र संभावित महिला वादक है?
सितार, ढोलक, तबला, शहनाई। तो दोस्तों बागेश्वरी कंवर शहनाई की पहली और एकमात्र महिला वादक है। मथुरा के कला स्कूल में किसका प्रयोग किया गया है बनाते वक्त? संगमरमर, लाल बलुआ पत्थर, ग्रेफाइट या स्लेट। तो मथुरा का जो ये मंदिर है, कला स्कूल मंदिर, इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था और इसे कुषाण काल में विकसित किया गया था। भारतीय कथाओं के अनुसार धूम्रवर्ण किसका अवतार है? विष्णु, शिव, इंद्र, गणेश। धूम्रवर्ण गणेश जी का अवतार है। यक्षगान किस प्रदेश का लोक नाटक है? पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इसका उत्तर है कर्नाटक। महाभारत का कौन सा अध्याय कौरवों और पांडवों के बीच शांति लाने के निष्फल प्रयासों से संबंधित है? वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, द्रोण पर्व। तो दोस्तों वो था उद्योग पर्व। कुरान का पहला अध्याय क्या है? यहाँ चार ऑप्शन है, अल आदियात, अल फातिहा, अल हिज्र, अल फतह। उत्तर है इसका अल फतह। सत्रीय नृत्य भारत के किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मिजोरम, असम। तो सत्रीय नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है, जो कि भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक माना है, एक है। और इसके संस्थापक कौन थे? श्रीमंत शंकर देव इसके संस्थापक थे। चप चारकूट त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? मिजोरम, असम, कर्नाटक, सिक्किम। इसका उत्तर है मिजोरम। प्रश्न, अगले 50 वर्षों तक भारत माता भारतीयों द्वारा पूजी जाने वाली एकमात्र भगवान होनी चाहिए, किसके कथन है दोस्तों? बाल गंगाधर, तिलक, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर है स्वामी विवेकानंद। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म, साहित्य, संगीत, नृत्य। तो ये के फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। एडविन लुटियंस के सहयोग से नई दिल्ली को डिजाइन करने में किसने मुख्य भूमिका निभाई थी? जॉन एबल, थॉमस वॉर, अटवुड, हर्बर्ट बेकर या साइमन डिसेल। इसका उत्तर है हर्बर्ट बेकर। प्रश्न हैदराबाद की हुसैन झील किसके द्वारा बनाई गई थी? इब्राहिम कुली कुतुब शाह, अब्राहिम कुली कुतुब शाह, हजरत हुसैन शाह वली या फिर शेर शाह सूरी। इसका उत्तर है हजरत हुसैन शाह वली द्वारा बनाई गई थी ये झील। यह हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में पड़ती है। निपोजन माई होजी बौद्ध मंदिर, या आमतौर पर जिसे हम पीस पगोड़ा या शांति स्तूप भी कहते हैं, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? खुजी गुरु, अशोक, समुद्रगुप्त, महात्मा गांधी। इसका उत्तर है खुजी गुरु। पंजाब का कौन सा शहर पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था? जालंधर, पटियाला, अमृतसर, चंडीगढ़। उत्तर है अमृतसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर पूर्व भारत का प्रसिद्ध ड्री त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर। यह अरुणाचल प्रदेश का त्योहार जो कि फसल कटाई के समय आपतानी जाति द्वारा मनाया जाता है। केरल के एनारकुलम जिले का कलाड़ी किसका जन्म स्थान है? वल्लभाचार्य, आदि शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु या फिर आर्यभट्ट। यह आदि शंकराचार्य का जन्म स्थान है और जब इनका जन्म हुआ तब यह चेर साम्राज्य के अंतर्गत आता था, उनका हिस्सा था। टावर ऑफ साइलेंस भारत में किस धर्म से संबंधित है? पारसी, ईसाई, यहूदी, सिख। तो दोस्तों इसका उत्तर है पारसी। पंचमहल कहाँ स्थित है? आगरा, अलीगढ़, फतेहपुर सीकरी, बरेली। दोस्तों यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसे अकबर ने हवा लेने के लिए बनवाया था। भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र, आलमारा, किस्मत, किसान कन्या। तो दोस्तों वह फिल्म थी किसान कन्या, जो कि 1937 में रिलीज हुई थी। भारत के किस राज्य में गुप्त काल के मंदिर अच्छी आकृति में पाए जाते हैं? बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर। उत्तर है इसका मध्य मध्य प्रदेश।
गुप्त काल को प्राचीन काल का स्वर्ण काल भी कहा जाता है और मध्य प्रदेश में इसके मंदिर पाए जाते हैं। दोस्तों ये हमने जाने भारतीय संस्कृति से संबंधित कुछ मुख्य प्रश्न और उनके उत्तर। वैसे तो इतने प्रश्न हैं कि चाहे हम कितने भी अध्याय में आपको बता दें शायद वो चलते ही रहेंगे। फिर भी मैंने काफी कोशिश करके आपके लिए मुख्य प्रश्न इस अध्याय में लिए हैं। विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग टूटते हैं तो कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो।